हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि गर्भवती स्त्रियों को कौन से महीने से घी का सेवन करना चाहिए और कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और घी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान इन सभी बातों को आज इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान घी खाती हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान घी का सेवन करने से हमारी बॉडी में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों घी में रेचक गुण होते हैं जो लीवर पेन शुरू करने में मदद करते हैं। दोस्तों अगर आपका नौवां महीना स्टार्ट हो गया है तो आपको रोज़ाना 1 से 2 चम्मच अपनी डाइट में घी को शामिल ज़रूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो सब्ज़ी में घी डालकर उसका सेवन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएं। दोस्तों घी प्राइवेट पार्ट को चिकना करने में बहुत ही मदद करते हैं, जिससे कि हमारी डिलीवरी आसानी से हो जाती है। घी में बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है, इसलिए हमारी मसल्स भी बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती हैं, जिससे कि हमारा बच्चा नीचे की तरफ अच्छे से हेड डाउन कर लेता है और हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांस कई हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आपका नवा महीना स्टार्ट हो जाए तो आपको घी का सेवन ज़रूर ज़रूर करना है। जी हाँ दोस्तों जी घी पाचन में सुधार करता है और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कब्ज से भी राहत दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, प्रेगनेंसी में होने वाली कब्ज से भी राहत दिलाता है, इसलिए आपको पूरी प्रेगनेंसी में घी का सेवन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, गर्भावस्था के दौरान आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको घी का सेवन थोड़े हिसाब से करना चाहिए, मतलब थोड़ा कम करना चाहिए अगर आपका वजन ज़्यादा है तो। अगर आपका वजन प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा नहीं है तो आप घी का सेवन 1-2 चम्मच रोज़ाना उसका सेवन कर सकती हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। दोस्तों घी खाना बेहद ही फायदेमंद होता है। घी खाना स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों घी में ओमेगा 3, ओमेगा 9, फैटी एसिड और विटामिन ए, के, ई जैसे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बहुत ही मजबूत करने में हेल्पफुल होते हैं। इसलिए अगर आप गर्भवती हैं तो आपको घी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे को बहुत ही पोषक तत्व मिल सके और हमारा बच्चा एकदम स्वस्थ रहे गर्भ अवस्था के दौरान। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, आपको घी का सेवन 9वें महीना स्टार्ट होते ही अगर आपका वेट कम है तो आप 1-2 चम्मच सेवन अपनी डाइट में शामिल रोज़ाना कर सकती हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप थोड़ा हिसाब से सेवन कर सकती हैं, लेकिन आप पूरी प्रेगनेंसी घी का सेवन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों तो घी का सेवन आप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, ये जानकारी आप लोगों को थोड़ी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए अपना और अपने बीबी का ज़रूर ध्यान रखिएगा।